बहुत इजीली क्वालिफाई हो सकते थे। वो आखिरी खिलाड़ी हैं, जाते जाते शायद एक खिलाड़ी को अपने साथ लेकर जा सकते, पर उन्होंने दो खिलाड़ी को नॉक किया था, पर इन सबके बीच में स्काउट वो आगे गए, उन्होंने खिलाड़ी को डाउन किया। पर आप देखिए काइल उनकेज भी बहुत ज्यादा कम है, वो डैमेज खा चुके थे स्काउट। अब क्या ये स्काउट यहाँ से ये फाइट निकाल पाएंगे? कॉम्पिटिशन अपनी चरम सीमा पे पहुँच चुका है। गमला इज हियर, गमला बता दे, लोग पूछ रहे तेरे लिए, लोग पूछ रहे क्या बताऊं। राउंड 3 का, राउंड 3 का लूजर ब्रैकेट में हम ये लोग वो लेकर चल रहे हैं। क्या वर्स्ट केस सिनेरियो? नहीं नहीं, अरे हमने बात कर ली लूजर ब्रैकेट में। ओ फिर लूजर ब्रैकेट भाई, मेरे में कुछ मत स्पैम करो भाई। देखो अपना मैं बता देता हूँ, जो भी है जैसा भी है, मेरे में स्पैम मत करो। बट कोई भी वो जो था, जो भी हुआ, वो सब तो मेरे को लगता है क्लाउड के लिए ही हुआ, जो भी था, बेवकूफ़ी थी वो तो। और अपना ओपिनियन उसने डाल दिया और उसको फैक्ट बोल दिया, वो तो बकवास चीज़ था। बस वहीं पर ख़त्म हो गई बात, उसको बढ़ाओ मत। अगर तुम वो चीज़ बढ़ाओगे नहीं तो उनका जो भी मोटिव था वो भी उनको हासिल नहीं हो पाएगा। उसको फैलाओ ही मत भाई, वो बात ही मत फैलाओ, पता है ख़त्म वहीं पर ये हो जाएगा उसका, दी एंड, कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तुम्हें जो ओपिनियन देना है जाओ उनके डीएम्स में दो, और उसके ना तो रील बनाओ ना तो कुछ बनाओ, कारमा हो जाएगा ब्रो, वो भी जीरो फायदा के साथ। भाई किसी ने जॉनी को एरोगेंट एंड ईगो वाला बोला है, कोई फेम मांग रहा है, योर व्यूज यार। देखो पहली बात, मुझे व्यूज नहीं देना चाहिए, बाकी देखो इस दुनिया में उसके कितने फॉलोअर, उसके 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, तो समझ लो उसको देखने वाले 5 मिलियन पर्सपेक्टिव है, सबका अलग अलग पीओवी है। और वो हर बंदे पे ध्यान तो नहीं दे सकता, तो बोलने दो जिसको बोलना है। अब मेरे को बुरा बोलने वाले भी बहुत है, अच्छा बोलने वाले भी बहुत है, बोलते रहो, मुझे क्या जान फर्क पड़ता है। लोग धोनी को बुरा बोलते हैं भाई, उसने क्या कंट्रोवर्सियल टॉपिक ना लाओ, नहीं हम कंट्रोवर्सियल हम नहीं करते, हम ढंग का जवाब देते हैं। ठीक तो बोला जिसने भी बोला। अरे तो भाई एक आदमी अपनी मेहनत से आगे बढ़ाए, वो कुछ भी बने उसकी मर्जी ना। अगर वो होगा भी, तो वो अपनी मर्जी से है, उसकी मर्जी, उसने मेहनत की है, उसकी वजह से होगा। 50 लाख लोगों को वो खुश नहीं कर सकता है, वो खुद खुश है। सोचने वालों को नहीं रोक सकते, सोचो हमारे बारे में, ना बोलने वालों को रोक सकते हो। कैंपर कैसा है? और उस चीज को बढ़ा चढ़ा दिया बाकी लोगों ने, वरना मेरे को लगता नहीं है कि किसी को फर्क भी पड़ता होगा। बोलने दो क्या बोलते हैं भाई, भाई बुलाए चाहिए। अरे छोड़ो भाई, आप गेम में लेट्स गो, इतना गंदा डर्टी प्लेयर आ गया है साथ में, बेकार की फैन बोलना। आई नो आज का दिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत इजीली क्वालीफाई हो सकते थे, बहुत सारे सीडीज लास्ट जोन्स थ्रो किए जो नहीं होना चाहिए था, बट यस इट इज व्हाट इट इज। खराब खेले तो पनिश तो होंगे, सो हम टॉप 3 में हुए नहीं, बट देयर स्टिल एन ऑप्शन जो है लोअर ब्रैकेट का। अब कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि लोअर ब्रैकेट की टॉप 16 टीम्स कौन सी है, जो राउंड 4 की बची बची टीम्स के साथ वापस क्वालिफायर्स के लिए खेलेगी लोअर ब्रैकेट से। सो फिंगर्स क्रॉस्ड है, चांसेस है भी, काफ़ी अच्छे चांसेस, काफ़ी पॉजिटिव चांसेस है, और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट का स्पेस है, तो इम्प्रूव करेंगे। एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, लेट्स सी क्या होता है आगे। छोटा सा अपडेट देना था, और अभी मैं निकल रहा हूँ घर, तो इसे स्ट्रीम नहीं हो पाएगा। नो माय बैड, घर नहीं, मैं निकल रहा हूँ दिल्ली, मेरा एक शूट है। ऐसे किसी एक टीम का हिस्सा है तो इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे, कहीं और है बाकी 3 खिलाड़ी कहीं और, पर सीक्रेट एजेंट, नुकसान तो इनको भी होगा क्योंकि एक खिलाड़ी इनके डाउन है। सामने HG के निक को नॉक किया गया, रिवाइव करने के चक्कर में कहीं अपना एक और खिलाड़ी वो न गवा दे। देखने की बात है कि कौन जा रहा है, मुझे लगा अल्ट्रॉन के ऊपर वो जिम्मा है कि वो जाएंगे और रिवाइव करेंगे अल्ट्रॉन। एक और स्मोक कर रहे हैं, समय थोड़ा सा कम बचा है, आपको अब तो जाना पड़ेगा, आपको हाथ वहां पे लगाना ही पड़ेगा। रिवाइव सही जगह जाता तो शायद वैल्यू भी मिलती, बट वहीं पे अब जाएगा सही जगह, एटलस का वो नेड ढूंढेगा मास्टर को, मुश्किलों में HG की टीम। और जैसा मेजी आपने बताया, इस कंपाउंड में जब आपके पास नंबर्स गेम एडवांटेज नहीं होता तो डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और अब मात्र केवल एक खिलाड़ी बचा रहेगा, पर एटलस अभी तो आपको वहां पर डैमेज पड़ा था, वापस वो खिलाड़ी नीचे आ गया। चलिए फायदा मिलता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा भी सकते हैं, पर अब रॉबिन वो आखिरी खिलाड़ी है, जाते जाते शायद एक खिलाड़ी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, पर उन्होंने दो खिलाड़ी को नॉक किया, तीसरा खिलाड़ी डैमेज बहुत ज्यादा, गन स्विच करने की वो गलती कर बैठे, और जीरो उनके ऊपर एक रश आता हुआ स्काउट, उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर, ग्रेनेड के साथ तैयार रहेंगे, क्लोएक्स पिराट की वो टीम है, एक खिलाड़ी नॉक किया गया, RD वो डाउन दिखाई देंगे।
BMW IIGL के द्वारा वो नॉक निकाला गया था, स्काउट ही निकाल पाए और साथ ही साथ वो प्लेसमेंट पॉइंट भी। वही दूसरी तरफ सीक्रेट एजेंट्स को देखिए, आगमन हो चुका है उनका भी, वो जोन के अंदर आना चाहते थे, रास्ते में उनको AMG के प्लेयर्स मिले, वहां पे उनको फिनिशेस भी मिली, बट दूर दराज इलाकों से अभी भी उनके ऊपर स्प्रे आते हुए, एक प्लेयर डाउन, रिवाइवल उनको चाहिए। दो प्लेयर्स अभी भी उनके पास, बट यहाँ पे सीक्रेट एजेंट्स जैसे ही आगमन हुआ जोन के अंदर मुश्किलें और बड़ी, एक और टीम पीछे से आते हुए, बट हिटमैन वो आते ही डाउन हुए, उनके साथ ही वेनम वो भी आते ही डाउन हुए। माइकी कुछ ना कुछ उनको भी यहाँ पे करना पड़ेगा, स्प्रे तो वो कर रहे हैं बट वो भी अभी जोन के बाहर, दूर दराज इलाके में स्पॉट करा अपने अपोनेंट को, शॉट देने की कोशिश और वहां पे भी डैमेज उनको मिलेगा। इसी के साथ लुनेटिक ईस्पोर्ट्स उनका भी सफर खत्म इस एरंगल के मैच से। माइकी जैसे वर्ल्ड क्लॉक की टीम को देखिए जोन के अंदर आने की कोशिश, और अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे मौका है टीम जीरो के पास कि वो बेहतर कर पाए, और फिनिश वहां पे निकलेगा जरूर। स्काउट के पास ऑलरेडी है चार, ये प्लेयर है बेमिसाल, चार फिनिशेस के साथ मौके अंदर आने की कोशिश और उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। जा सकते हैं काइलो, फाइनली उन्हें स्पॉट किया गया विजर्ड। इस पर्टिकुलर मैच में वो चार प्लेसमेंट पॉइंट के साथ साथ फिनिशेस बहुत ज्यादा, पर अब जेडी की बारी आती है क्योंकि उन्हें भी पता है कि हाँ वो चिकन डिनर आसानी से निकाल सकते हैं। और इन सब के बीच में गाड़ी भी आई, गन भी आया और एलिमिनेशन ग्लिच एक्स रिबॉन का। जी हाँ, बट प्रधान अपनी टीम को वो टॉप टू में लेके आते हैं, बट जुबिलेंट डिवाइन ईस्पोर्ट्स वो पॉइंट्स में जब हम तब्दील करेंगे तो कितने अंक आखिर वहां पर देखते हैं कि कौन सी टीम है जिन्होंने शून्य अंक निकाल पसंद करती है, क्या टीमों को अभी अर्ली ऑन कुछ फाइट्स जो की है वो। और दो सोलो खिलाड़ी जो बचे हुए थे अपनी टीम से उनको हमने यहीं पर आते हुए देखा, पर हिटमैन जी नहीं, ये खिलाड़ी यहाँ पर फंस गया, पर एक खिलाड़ी को उन्होंने रॉक किया, जाते जाते वो खिलाड़ी को फिनिश भी कर देंगे, दक्ष उनको एलिमिनेट किया जाएगा। काइलो आए, उन्होंने हिटमैन को समाप्त तो किया, बाकी जो आठ टीम बचे हुए इस मैच में वो सब आपको यहीं पर दिखाई देने वाले। इनसाइट उनकी भी फाइट चल चुकी है, सबसे पहले हिटमैन वो यहाँ पर नॉक किए जाएंगे, पासवर्ड उनका भी नॉक आ चुका है, पर ये फाइट बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी इनसाइट के लिए। जी हाँ, वो फाइट जीतते हुए ग्रिपर एक और नॉक उन्होंने निकाला और अब STR उनका बचता है मात्र एक खिलाड़ी माइकी, देखना ये कि क्या वो अपनी टीम के लिए क्लच निकाल सकते हैं। पोजीशनिंग अभी भी उनको पता नहीं है, वहां पे वो उनको रिवाइव कर रहे थे, रिवाइव मोलोटोव वो आया तो सही पर वो ठिकाने पर गया नहीं, पर माइकी ये ग्रेनेड बहुत कुछ दे सकता है उनको, वो दो फिनिशेस जा सकते थे उनके खाते में। ग्रेनेड थोड़ा दूर निकल गया पर HP बहुत ज्यादा डाउन हुई, हिटमैन एक जंप शॉट DBS के साथ एक और खिलाड़ी को डाउन किया गया, पर हिटमैन HP बहुत कम, जाते जाते उस खिलाड़ी को अपने साथ ले जाने की कोशिश रहेगी और वो कामयाबी हासिल भी करेंगे, पर ग्रिप उनका भी एलिमिनेशन आपको देखने को मिल जाने वाला है। तीन बची हुई स्क्वाड्स अभी भी फेथ के पास, नंबर्स का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, स्पॉट किया एक खिलाड़ी को, AMG का एक प्लेयर डाउन है, पर वो आगे भी जाता है रिवाइवल देने के लिए तो दिक्कतें हो सकती है। नीचे पीछे से जोन भी आता हुआ ओपन में आते हुए दो खिलाड़ी स्पॉट किया, डाउन किया, फेथ के पास एक बहुत अच्छा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, तीसरा बचा हुआ एक आखिरी उम्मीद रहेगा उस स्क्वाड के लिए। आप रुक सकते थे, थोड़ा और इंतजार किया जा सकता था, पर उन्होंने मुझे लगता नहीं कि इसके आगे कहीं और अपनी टीम को आप पहुंचा सकते हैं। ब्लेक तीन फिनिशेस निकाले इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए, वो खिलाड़ी अंदर आए, उन्होंने स्पॉट किया और वो फिनिश प्लीज स्टैंडिंग्स हमारे सामने, बिकॉज आप देखिए हम की बाकी की टीम्स कितने, टीम जीरो वो कुछ कमाल करके डिफरेंट है, ये मैच उनके लिए अच्छा खेलना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, 15 से ज्यादा अंक हर मैच में आपको लाना पड़ेगा। वहीं अगर ऐसे की बात की जाए, शुरुआत इतनी कुछ खास इनकी हुई नहीं, फिनिशेस निकाले नहीं टीम जीरो ने, एक प्लेयर को खत्म यहाँ पे जरूर किया। उधर काइलो फाइनली उनको भी स्पॉट किया गया था, जैसा हम बात कर रहे हैं लड़ाई थी इनकी, युद्ध बीच में चल रहा था इन दो टीम्स के बीच में, उधर एडी उनको भी डाउन किया जो रिवाइवल उनको मिला था, बट कोई खास फायदा हुआ नहीं। टीम जीरो प्रेडिक्शन आपने करी थी यहाँ पे दर्शिता, चलिए टीम जीरो सर्वाइवल पॉइंट्स मिले ना मिले, जब आप बात करते हो इस फाइट की, काइलो को आप देखिए दो खिलाड़ी उन्होंने ऑलरेडी नॉक कर लिए थे, वो काफी ज्यादा लो भी थे, वहां पे अपने आप को हील किया रिवाइवल की प्रक्रिया के लिए, वो आगे ही बढ़ रहे थे, देखने को मिली है वहाँ पे वाइपर को डाउन कर दिया जाने वाला है, दो खिलाड़ी डाउन है, लुनाटिक उनका सर्वाइव कर पाना नामुमकिन, एंड देखिए उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। बट FS को देखिए वो दो तरफा यहाँ पे फंस चुके थे, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ऐसे थी एक तरफ जो वहाँ पे उनके पास शॉट दे रहे थे, बट यहाँ पे हिटमैन कोशिश उनकी तरफ से, एंड लीजिए कितनी शानदार तरीके से क्लॉ की टीम को हराते नजर आएंगे। बेहतरीन कॉम्पिटिशन विटनेस किया अभी हमने, बट अभी भी मेरे ख्याल से मौका है HR के पास कि वो एक शानदार चिकन लेके जाएंगे। अगेन इंसानों के अंदर जब जोन होता है तो फायदा होता है, बट ऐसे अकेले में अगर आप जाएंगे तो जरूर गोली खाएंगे। गेंस शानदार स्प्रे, दो खिलाड़ी डाउन, राउडी का वो स्प्रे आया डाउन, उन्होंने किया, गेंस ने हेल्प करी, बट HR जिनको यहाँ पे चिकन निकालना चाहिए था, अभी भी मौका है 2v2 की फाइट जोन के अंदर जाना, बट बेहतरीन रिफ्लेक्स स्प्रे देखने को मिला वहां पे, राउडी ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक 1v2 का मौका इनके लिए, सामने प्लेयर्स नेट भी आएगा, नेट सही जगह पे जाएगा और चिकन देके जाएगा HR। अंक बाकी की टीमें भी अब यहां से लेके जाने वाली है, बिकॉज देखिए जस्ट चाहिए और उतना नहीं है, बहुत सारी टीम्स अगेन एक कमबैक की प्लेन पाथ का, अगर यूटिलिटी ना इन कंपाउंड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वही देखिए HG के सारे प्लेयर्स के हाथ में भी आपको नेट देखने को मिल रहे हैं, स्मोक देखने को मिल रहे हैं, वही FS
वो भी पहले कुछ नॉक्स निकालना चाहते हैं और फाइनली वो नेड आया उनके सामने से, डाउन किया ट्रेस गोट को। अब सवाल ये है कि पहले रिवाइवल के लिए जाएंगे या फिर आक्रमण जारी रखेंगे यहाँ पे एफएस के खिलाड़ी। देखिए वो लड़ना पड़ेगा उन्हें क्योंकि वो सर्कल के अंदर नहीं थे, पर इन सबके बीच में डेविड उनको देख लिया गया। हिटमैन आसानी से नॉक करेंगे रॉबिन, वो भी अंदर मौजूद है। पर ऐसे के खिलाड़ियों को आप देखें कितना ज्यादा चतुराई से उन्होंने नॉक्स निकाले एटलेस, उन्होंने चार फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास। जेडी एक शानदार वापसी तो है इस मैच में। देखिए जैसा नाम है वैसा काम है, एम्बुश ने एम्बुश किया अपने अपोनेंट्स को और यहाँ पे फिनिशेस बटोरे और चार को करिए पांच। मुझे लगता है कि यहाँ पे एफएस की मुश्किलें बढ़ रही है और जैसे मैं बात कर ही रहा था एडवांटेज पे जहाँ पे ओपनिंग है वहां पे स्मोक भी उन्होंने डाल दिया ताकि कोई आ ना पाए, बट फाइनली जेडी की फाइट होती है एसए से। आपको नजर आएगी मुश्किलें जरूर बड़ी है जेडी की, एसए क्या कमाल का प्रदर्शन अभी तक दिखाया, बट एटलस डाउन किया गया उनको शॉटगन के साथ, पे देने की कोशिश पीछे से एम्बुश, अब वो पुश करते आपको नजर आएंगे और एसए एक एक करके प्लेयर्स वो भी गवाते हुए क्योंकि एक साथ नहीं थे, एक साथ अटैक नहीं कर पाए, बट दो प्लेयर्स अभी वो कुछ कर पाएंगे बिकॉज मौका है। लेकिन एचपी पहले ठीक कर रही थी, चलिए फाइनली एचपी उन्होंने गेन करी बट अकेले चले गए पुश करने के लिए, एक गलती साबित हुई एंड इसी के साथ ऐसे एक प्लेयर जो आखिरी थे उनको भी खत्म किया जाएगा और वो लगभग 10 फिनिशेस के साथ अभी भी दिखाई देंगे। ग्रेनेड परफेक्ट तरीके से कुक किया गया, जोएश वो तैयार थे, एडी वहां पे नॉक हुए, काइलो उनको भी थोड़ा डैमेज पड़ा था, पर जेडी नेक्स्ट वो जो डाउन थे उनको समाप्त कर दिया जाएगा। पर जोएश को आप देखें वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने स्कोप खोला वो खिलाड़ी उनके आंखों से ओझल हुआ, पर मैं अभी भी मानता हूं कि अगर एक ग्रेनेड इनके पास होता तो शायद ये काम उनके लिए आसान हो सकता था। एक और ग्रेनेड थ्रो किया गया, सही है वहां पर डाउन कर दिया गया, पर इन सबके बीच में स्काउट वो आगे गए, उन्होंने खिलाड़ी को डाउन किया, जॉर्ड उनका समापन आपको देखने को मिलेगा। टीम जीरो अभी भी यहां से ये फाइट निकाल सकती है, सही है जो डाउन उनको रिवाइव किया जाएगा, पर जोएश उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं है कि खिलाड़ी मौजूद कहां, डीबीएस का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर काइलो वो तैयार थे अपने यूएमपी का प्रहार उन्होंने दिखाया और जोएश नीड्स के शिकार उनकी टीम होने वाली थी, बट अभी भी एचजी के रॉबिन ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड दूर दराज इलाकों से वो सब देख सकता है प्लेयर। नेट करते हुए सैयद बचना पड़ेगा इस नेट से, सही जगह पे नेट जाएगा, रॉबिन का शिकार बनेंगे सैयद, बट मौका अभी भी। उधर ग्लिचेक्स रिबोन मुश्किलों में वो भी फंसते हुए, टीम जीरो के पास पूरा एडवांटेज कि वो यहां से एक चिकन डिनर लेके जा पाए, बट लड़ाई अभी भी होती हुई, दो प्लेयर्स बचे और वो आक्रमण करते हुए फाइनली करना पड़ेगा काइलो को कुछ काम, पीछे से एक और प्लेयर स्काउट कवर देना चाहते तो जरूर है, बट ग्लिचेक्स रिबोन अभी भी एडवांटेज था, लेकिन फिर से जैसे ही ऊपर गए काम यहां पे गया है पूरा। टीम्स अभी तक का जो मुकाबला उनका रहा है वो ज्यादा अंक लेकर नहीं जा पाए, तीन मैचेस खेले 15 अंक उन्होंने निकाला, एडी वो समाप्त हो गए, पर आप देखिए काइलो के एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो डैमेज खा चुके थे, स्काउट प्लेस उनके बाहर वो फंसे और देखते देखते रॉबिन उन्होंने खिलाड़ी को नॉक किया, काइलो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, रॉबिन उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। कितने अंक हासिल करे इस मैच से हीरोज गेम, वहां पर हम देखते हैं कौन सी टीम कितने अंक लेकर गई, आते हुए दिखाई दे उसकी चर्चाएं बनती है इस खिलाड़ी की। राइट, काफी अच्छे फिनिशेस अपने नाम पे वो लेके गई है, बट टीम जीरो स्काउट अकेले बचे हुए खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, काइलो एंड उनके जो टीममेट है दोनों भी डाउन, वहाँ पे स्काउट अभी भी प्रयास कर रहे हैं, रिवाइवल एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ उन्हें आगे बढ़ना है, एंड आईडी की तो अगर आप बात करते तो उन्हें काफी ज्यादा अर्ली ऑन ही ये टीम खो चुकी है, बट चलिए फिलहाल के लिए अपने टीममेट्स के नजदीक जरूरी आ चुके हैं। एलएनसी के खिलाड़ी रुकना नहीं चाहते, स्पॉट कर दिया जाएगा स्काउट को शॉट्स लेने का प्रयास, अब क्या ये स्काउट यहाँ से ये फाइट निकाल पाएंगे, इंतजार कर रहे एक खिलाड़ी आगे मौजूद, आगे भी आएंगे एक खिलाड़ी, स्काउट आगे बढ़ने का प्रयास, डाउन खिलाड़ी को वहाँ पे फिनिश कर दिया जाने वाला है, 1v1 की ये फाइट, स्काउट काफी ज्यादा लो है, वो जोन के बाहर निकल जाएंगे वहाँ पे एंड प्ले जोन के चलते स्काउट ऑलरेडी टीम जीरो के पास 7 फिनिशेस आ चुके थे और वो एक प्लेसमेंट पॉइंट यानी 8 अंक वो लेकर गए, सर्कल का एडवांटेज उस टीम के पास मौजूद है। मैं तो अभी भी सोच रही हूँ जेडी की बचे हुए एक खिलाड़ी उनका प्लान क्या रहने वाला है, लॉकी एक खिलाड़ी स्पॉट किया, एक प्लेयर को डाउन किया, बट आप ओपन में खड़े रह के रिलोड कर रहे थे, इंस्टेंटली स्पॉट करके उनको भी डाउन किया जाएगा पूरी। और जैसे हमने पहले भी बताया कि पिछला मैच उनके लिए बढ़िया था, पहला मैच उनके लिए बढ़िया था, पर क्लॉक्स पिराट सेम सिचुएशन आप एचजी के लिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पास जोन नहीं है, पर एक पेड़ के पीछे आप 3 खिलाड़ियों को नहीं डाल सकते, उसके अलावा खैर उनके पास कोई दूसरा चारा था भी नहीं, पर एचजी आप देखिए तो सही स्मोक का क्या शानदार उन्होंने इस्तेमाल किया, क्लॉक के पास जोन होने के बावजूद उसका फायदा वो नहीं उठा पाए, कारण उसका ये है कि उनके पास कोई भी कवर था नहीं और आईजीएल वो भी डाउन किए गए, फिनिक्स बचेंगे आखिरी खिलाड़ी, प्रयास कर रहे हैं वो, कोशिश कर रहे हैं, आखिरी उम्मीद बचे हुए अपनी टीम की, क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे, आउट आए ओपन एरिया में आए जरूर थे बट जैसे ही वो बाहर आए क्योंकि ये जो खिलाड़ी है वो लेके जाने वाले, बट टीम को जो अभी तक कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम बनकर बैठी हुई थी, फाइट देना 2 बैक टू बैक चिकन निकास ग्लोरी को, स्क्रम्बल करते हैं प्रेशर के अंदर, संभल के खेलना पड़ेगा, बट जैसा इनका अग्रेशन की हम बात कर रहे हैं ये तो देख भी नहीं रहे, नाव देखा ना दाव देखा, सीधा पुश किया और लीजिए कितनी शानदार तरीके से एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को स्पॉट भी यहाँ पे किया, पर प्रधान वो एंगल इनको अभी के लिए मिला नहीं, देखने वाली बात
मैन वहाँ पे वो भी लड़ना चाहते हैं, दिस इज अनयूजुअल राइट, जहाँ पे लास्ट मैच इतना इम्पोर्टेंट सबके लिए, वहाँ पे बहुत ज्यादा इच्छुक है यहाँ पे प्लेयर्स लड़ाई के लिए। मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये फाइट हमें इतना अर्ली ऑन देखने को मिलने वाली है। आज कर रहे कि एक और नेट के चलते एक नॉक मिले, बट ब्रेन डेड उन्हें स्पॉट कर लिया जाएगा। नेट का डैमेज बहुत ज्यादा, ब्रेन डेड का बचना नामुमकिन सा यहाँ पे लग रहा है। डैमेज दिया अल्ट्रॉन को, बट दूसरा खिलाड़ी मौजूद वहाँ पे। बट इस मैच में आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते जल्दी खत्म होना, 5 फ्लैग्स आपके पास, पर प्रधान आप कहां जा रहे हैं पता तो है आपको कि एएमजी के प्लेयर्स भी वहां पे मौजूद हैं, वहां से भी स्प्रे आएगा। प्रधान बाल बाल बचेंगे वहां पे, मिशन में कैसे फंस चुके हैं, एक तरफ एएमजी तो दूसरी तरफ 4 AM। एएमजी एंड ऐसे की ये फाइट बहुत ज्यादा पुरानी हमें देखने को मिल रही थी, जिसके ऊपर एक कॉमा जरूर लगा था, बट अब एएमजी आ चुके हैं उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाने के लिए। देखना ये कि निक मौजूद 4 AM के खिलाड़ी रहेंगे ना। आपको नेट देखिए कितना ज्यादा शानदार, सीधा जाके फटारेक्स के मुंह पे डाउन, वो सर्वाइव करेंगे। रिवाइवल की प्रक्रिया शायद की जाएगी, बट इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाया जाएगा एएमजी की तरफ से। वो आगे तो आए थे पुश करने के लिए, बट उसी के पहले 4 AM उन्होंने, लुक एट द नंबर ऑफ स्मोक्स ऑलरेडी, मैं देख सकता हूं कि स्मोक्स 10 से ज्यादा वहां पे कर दिए गए, और पुश करने की बारी टीम जीरो, फाइनली वो आक्रमण करते नजर आएंगे आपको। टीम एफएस मौका उनके पास, बीके फिनिशेस वो यहां से निकाल सके, स्काउट एक अलग रोल में नजर आ रहे हैं, अपनी टीम से थोड़ी जुदा वो देखने को मिलते हैं। अच्छा पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है एफएस के खिलाड़ियों की तरफ, बट कितनी देर तक डिफेंड कर पाओगे। काइलो की तरफ से आपको एक नेट देखने को मिला, वो नेट परफेक्ट था, डाउन किया वहां पे क्लच को। दूसरे खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करते हुए आखिरी बचे हुए, उम्मीद है ये अपने टीम की अगर कुछ कमाल करते हैं तो शायद ये पोजीशन को होल्ड कर पाए, वरना दो प्लेयर्स तो वो चले गए। बट सही है, फाइनली उन्होंने एक प्लेयर को नॉक किया, उधर स्काउट डैमेज वो भी लेते हो, अफोर्ड आप नहीं कर सकते अभी डैमेज लेना, हील करना पड़ेगा अपने आप को। टीम जीरो वो टॉप 5 में अपने आप को पाएंगे, फेथ का सफर यहीं तक था इस रैंगल के मैच में। उधर ग्लिच का एक शानदार नेट, एचजी के मास्टर को डाउन किया जाएगा, ग्लिच ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, जहां दो प्लेयर्स को आगे भेजा और दो प्लेयर्स को कहा कि आप एचजी को रोकिए रोकिए, ये बेहतरीन एफर्ट। दूसरी तरफ स्काउट यहां पे डाउन, एचआर के एक्सट्रोवर्ट यहां पे डाउन, कंपटीशन अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। विजार्ड इसी के बीच में एक बहुत अच्छा पोजीशन लेके बैठे हैं, स्पिरन वो इंतजार ही कर रहे हैं। काइलो के ऊपर एक नेड आया, उन्हें भी डाउन कर दिया जाने वाला है। अब दिक्कतें होती हुई टीम जीरो के इन प्लेयर्स के लिए, वो एक और नेड काफी था, वो नेड एक प्लेयर को डाउन करने के लिए, डाउन प्लेयर को समाप्त करने के लिए। सैयद क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे, 3 खिलाड़ी उनके सामने मौजूद, प्रयास कर रहे कि एटलीस्ट एक को नॉक किया जाए, बट जी नहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ टीम जीरो उनका सफर होता हुआ, उसका एलिमिनेशन हमने देख लिया है, बट ये एक खिलाड़ी अभी भी आपको उस पोजीशन पे देखने को मिलेगा। बट फाइनली स्पॉट किया ग्लिचेक्स के इन प्लेयर्स ने, डाउन किया 3 प्लेयर्स के साथ, थोड़ा सा एडवांसमेंट उनकी तरफ से, कवर बनाने पड़ेंगे, बट ग्लिचेक्स रीबॉन्ड 8 फ्लैग्स के साथ बस एक कदम दूर तो चिकन डिनर के। इंतजार किया जा रहा है उनकी तरफ से, एक खिलाड़ी नॉक का, दूसरा खिलाड़ी भी वहां पे नॉक हो जाने वाला है। नंबर्स का एडवांटेज था इस टीम की तरफ, बट अब डिसएडवांटेज पे चलती हुई एलिमिनेट होते हुए इनके एक खिलाड़ी, दूसरा प्लेयर अभी भी डाउन है। रिवाइवल की प्रक्रिया जी हां शुरू कर दी जा सकती है वहां पे, बट अब शायद क्या वो प्लेयर ऊपर भी कभी आ पाएगा, बिकॉज मुश्किलें हैं यहां पे, आपके पास एंगल नहीं है, आपको जोन के बाहर जाना पड़ेगा। उधर फ्यूरी उनको भी यहां पे डाउन किया गया, मुश्किलें बहुत ज्यादा, बट एचआर एक प्लेयर देखिए वो स्प्लैंक एंगल पे जा चुके हैं, बट वहां से बचना बहुत मुश्किल, एचपी उनके पास थी नहीं, और ग्लिचेक्स रीबॉर्न टेबल की तरफ नजर डालेंगे किसने कितने अंक हासिल करे। काफी ज्यादा नाखुश रहेगी अपने इस रैंगल के, एक चीज का इंतजार इतने समय से हमने किया था। राउंड 3 का सफर यहीं तक था, बट अब मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिकॉज आप सब यहाँ पे रुके, आपने सबने एक्साइटिंग मैचेस देखे, बट आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली बार, तब के लिए टेक केयर, पीस आउट।